टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, प्लस अगर आपको एक स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, मतलब मैं आज आपको पूरे ही लोडेड स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि आपको 50,000 के बजट में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉबिनॉस, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चावड़ कर लेना। फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 पर यार मैंने रखा OnePlus 8 Pro को। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत क्रिएटर्स के पास ना ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन ये है कि इसका डिस्प्ले होगा, इसका प्रोसेसर होगा, इसका कैमरा हो गया ना, वो बहुत तगड़ा मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, मैं डीपली बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको डीपली नहीं बताना चाहता बिकॉज मेरी वीडियो का जो लेंथ है ना वो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेशर के साथ आती है, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले है। तो यार 120 रिफ्रेशर सच में मैटर करता है, उसके साथ आपको फ्लूइड डिस्प्ले देखने को मिल जाना। तो अगर आप आउटडोर यूज़ करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है ना तो भी आप नॉर्मली इजिली कर सकोगे। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 50,000 के बजट में OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको OnePlus Pro की बता दिया। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसकी और नहीं जाना, जो मैं आगे फोन बताऊंगा ना वो इससे भी पूरे लोडेड होने वाले हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, यार नंबर 4 पर मैंने रखा है यार Asus ROG Phone 3 को। तो यार अगर आपका बजट 50,000 है, 50,000 के बजट में आप एक तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो भाई आप जा सकते हो Asus ROG Phone 3 के। ये 5G स्मार्टफोन है, उसके बाद आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस इसका डिस्प्ले भी बहुत तगड़ा आपको 144 रिफ्रेश रेट में देखने को मिलेगा। तो 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करती है। प्लस आपको अदर फीचर्स की बात, आपको कई ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी गेमिंग को ना बहुत आगे तक लेकर चल जाते हैं। मतलब आपको एयर ट्रिगर मिल जाता है, कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी मतलब देखने को मिल जाती है, तो आपका फोन जो है वो हीटिंग इशू में नहीं जाने वाला। प्लस आपको डुअल टाइप सी वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके और भी स्पेसिफिकेशन आते हैं, आप डीपली चेकआउट करना चाहते हो, मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है, एक बार आप चेकआउट कर लेना अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 50,000 है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.59 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि एमोलेड एचडीआर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 12GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 6000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP, जिसपे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 24MP सेल्फी मिल जाती है, लेकिन सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता। अदर फीचर्स की बात करूं, आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाते हैं, RGB लाइटिंग के साथ आता है, कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एयर ट्रिगर देखने को मिल जाते हैं। अभी प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस ना आपको 45,000 से लेके 50,000 के बजट में Asus ROG Phone 3 देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ROG Phone 3 की। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा आईफोन 11 को। तो यार जो है ना 50,000 के बजट में वेट देखने को मिलेगा वो 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपको 64GB स्टोरेज कम लगती है ना तो आप इस स्मार्टफोन की ओर मत जाना, लेकिन अगर आपका काम चल जाएगा 64 के साथ तो आप इसकी ओर जा सकते हो। आपको A32 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा है। उसके बाद कैमरा तो सभी को पता है, आप 4K में शूट कर सकते हो, बैक कैमरे में एंड फ्रंट कैमरे में कैमरा क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है। प्लस कलर हो गया, इसका डिज़ाइन हो गया, सच में लुक वगैरह बहुत प्यारी देखने को मिल जाती है। अगर आपने जाना आईफोन 11 की ओर, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था, वैसे तो सभी ने चेकआउट किया ही होगा, पता ही होगा सभी को, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था आईफोन 11 को तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की।
तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को 831 चिपसेट देखने को मिल जाता है, स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज, बैटरी की बातों को 3110mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, कैमरे की बात करूँ आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 12MP जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 30fps पर। सेल्फी की बात करूँ आपको 12MP सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ आपको 50,000 के बजट में आईफोन 11 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको आईफोन 11 के भी बता दिया, अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, या नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नंबर टू एंड नंबर वन को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया बिकॉज दोनों ही सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। बात कर रहा हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। दोनों का डिज़ाइन या कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, डिस्प्ले दोनों का तगड़ा है, प्लस सैमसंग की प्राइवेसी भी बहुत तगड़ी होती है। आईफोन हो गया या सैमसंग, इनकी आपको प्राइवेसी सिस्टम तगड़ा देखने को मिल जाता है। अगर आप सैमसंग का फोन 15,000 से अपर ले लेते हो ना तो आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको 15,000 के बजट में भी बहुत तगड़ी मिल जाती है। ये तो आई आपको 45,000 से लेकर 50,000 के बजट में दोनों मिल जाएंगे। तो भाई जिसकी और भी आपने जाना है आप जा सकते हो। इसकी खासियत की बात करूं, खासियत इसका प्रोसेसर मिल जाता है, डिस्प्ले मिल जाता है, डिजाइन एंड कलर, उसके बाद आपको कैमरा इसका जो है वो बहुत तगड़ा मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इसको मैंने नंबर वन एंड नंबर टू पर रखा बिकॉज आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है कैमरे में एंड फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपको एक कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपने नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की ओर जाना है, एप्पल के और नहीं जाना चाहते हो या चाइनीज ब्रांड की ओर नहीं जाना चाहते हो, आपने नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की ओर जाना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस या सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। आप दोनों में से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अभी बात करते हैं इनके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करूँ, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, स्टोरेज की बात करूँ 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो, बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरे में आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो जो कि सच में इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं चाउड किया था सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की तो भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक बार आप चाउड कर लेना। अभी बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.7 इंच डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP, सेल्फी की बात करूँ आपको 10MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 48,999 के बजट में मिल जाएगा, बट अभी सैमसंग का नया फोन लॉन्च हो गया, इन दोनों का प्राइस कम होने वाला है, आपको 45,000 के भी नीचे ये प्राइस में मिल जाएंगे। इतने प्राइस रेंज में आपको इतना तगड़ा फोन मिल जाना जो कि बहुत ज्यादा सही है। सो दैट्स व्हाई इनको मैंने नंबर वन पर रखा यार। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए। तो यार सैमसंग की ओर से एक नया फोन लॉन्च हो गया, मुझे पता है 100% श्योर हूं इनका प्राइस कम होने ही वाला है, कोई और रीज़न नहीं इनको नंबर वन पर रखने का, बस यही रीज़न देखने को मिलता है आपको कम प्राइस में ना बहुत तगड़े स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जो कि दोनों 5G स्मार्टफोन है। भाई अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड रखने ना तो भाई आप नॉर्मली इजीली रख सकते हो, प्लस आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है जो कि सच में मैटर करता है। भाई अगर आपने जाना है सैमसंग की ओर आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए जो कि आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं अगर आप ले लेते हो 50,000 के बजट में, प्लस सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चाउड करने हैं तो भी आप चाउड भी कर सकते हो, प्लस अगर आपने परचेज करने हैं तो भी आप परचेज भी कर सकते हो, जैसे भी दिल करता है मन करता है आप कर सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको पावरफुल स्मार्टफोन भी बता दिए, गेमिंग के लिए भी बता दिए, कैमरे के अकॉर्डिंग भी बता दिया, स्टाइलिश डिज़ाइन वगैरह तो सभी के आपको देखने को मिल ही जाते हैं। यार 50,000 बजट है तो 50,000 के बजट में आपको डिज़ाइन तो अपर देखने को मिल ही जाता है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।